गोरखपुर जिले में बुधवार को 165 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,605 हो गई है। अब तक 252 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 13,694 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,659 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर की बात करें तो 89 नए मरीज मिले हैं। इसमें कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को सबसे अधिक 22 मरीज शामिल है। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 13, शाहपुर थाना क्षेत्र में 14, रामगढ़ताल 9, कोतवाली में 5, गुलेरिया में 10, तिवारीपुर में 3, चिलवाताल में 2, राजघाट में 11 मरीज मिले हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 58 नए मरीज मिले हैं। इसमें चरगावा में 18, सहजनवा में 5, खोराबार में 3, पिपराइच में 5, कैंपियरगंज में 4, ब्रह्मपुर में 3, उरवा में 1, जंगल कौड़िया में 10, खजनी में 1, सरदारनगर में 4, भठट में 2, गोला में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 18 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।